नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 21,566 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय केस बढ़कर 1.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं संक्रमण दर 4.25% बढ़ चुकी है। सक्रिय केस कोरोना के बढ़ गए हैं, 1.5 लाख के करीब तक कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। कोरोना ने लगातार देश भर में आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से इस बार भी वो स्थिति ना बन जाए, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ गए। 24 घंटे में 21,566 नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर चिंता जरूर जाहिर की है। WHO ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें WHO ने कहा है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अभी भी अनिवार्य है। हालांकि कोरोना के मामले पिछले आंकड़ों से थोड़े कम है, लेकिन फिर भी मास्क और सैनिटाइजर अभी भी अनिवार्य है। सभी को सतर्कता बरतने को कहा गया है। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां लखनऊ की तरफ से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर बछरावा ओवरब्रिज डिवाइडर में जा घुसा, जिससे मौके पर ही ट्रक चालक की मौत हो गई। बता दें कि ट्रक चालक निगोहा का थाना क्षेत्र के भगवानगढ़ का बताया जा रहा है। फिलहाल अभी परिजन नहीं पहुंच पाए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक एक्सीडेंट या ओवरब्रिज के ऊपर ट्रक से हुआ है, जिसको 108 एम्बुलेंस द्वारा मृतक अवस्था में सीएससी बछरावा लाया गया, जिसका जांच करने के बाद उसको मृतक घोषित करके पुलिस को सूचना दे दी गई है। ये ओवरब्रिज फ्लाईओवर के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक का भिड़ंत हुई है। लखनऊ की तरफ से रायबरेली की तरफ जा रहा था और उसका जो है साइड में उसके रेली से कटरा करके। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां नीमगांव थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है। नीमगांव पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है और चोर पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए। बता दें, बीती रात चोरों ने देवरी गांव में संतोष के घर को निशाना बनाया था, जहां से चोरों ने 5,000 की नकदी सहित हजारों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया था और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में स्टाफ नर्स का शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। बता दें कि घर के अंदर फांसी के फंदे से स्टाफ नर्स पिंकी द्विवेदी का शव बरामद हुआ है। तो वहीं पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताते चलें कि स्टाफ नर्स पिंकी द्विवेदी 3-4 सालों से बीमारी से ग्रस्त थी। हालांकि ये शव कैसे बरामद हुआ, इसकी स्थिति क्या थी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। मृतका की पहचान जरूर हो गई है, सुसाइड नोट पास से बरामद किया गया है। हमारे हॉस्पिटल पे एक पिंकी द्विवेदी नाम की 37 वर्षीय महिला जो है अभी मृत अवस्था में लाई गई थी। उसका प्राथमिक एग्जामिनेशन करने के बाद उम्मीद पाई गई और उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि क्या स्टाफ में ही कोई, हाँ वो अपने स्टाफ की थी महिला हॉस्पिटल में। अगली खबर रायबरेली से है, जहां कल रात हुई बारिश का सुरूर एक महिला पर ऐसा चढ़ा कि शराब पीकर घर से निकल आई और हंगामा करने लगी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ले का है, जहां बरसात में ही एक महिला शराब के नशे में सड़क पर हंगामा करने लगी। हंगामा करने के दौरान महिला शराब के नशे में इतना गिर गई कि आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नशे की हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महिला का हंगामा जारी रहा। पांडे नाम की 35 साल की महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाई गई है। ये रोड पे मिली थी, ये कचहरी रोड पे ही मिली थी वहाँ से। बाकी महिला को एग्जामिन करने के बाद यही पता चला कि एक दो जगह चोटें आई थी, उनको खरोंच थी और प्लस चोटें थी, ब्रेन कंट्यूजन था उनको। बाकी मैंने उनको भर्ती कर दिया और भी एग्जामिन करने के बाद ये पता चला, देख रहा कि अल्कोहल की स्मेल आ रही थी उनके मुँह से, जबकि ये प्रतीत होता है कि महिला अल्कोहल ली हुई है, ड्रिंक की हुई थी। बाकी उसको एडमिट कर दिया, उसका इलाज चल रहा है।
तार टूटने से करंट की चपेट में एक मासूम आ गया। मामला डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीही अयासपुर गांव का है, जहां हवा चलने के कारण बिजली का तार टूट गया। बिजली का तार टूटने से 15 वर्षीय आकाश चपेट में आ गया, जिसको बचाने गए 3 युवक भी करंट की चपेट में आ गए। आनन फानन में सभी लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां 15 वर्षीय आकाश नाम के युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरा युवक आशीष गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इसे करीब 4 लोगों को करंट लगी है, जिसमें एक बच्चे के जान भी जा चुकी है। और हमने करीब महीनों से बिजली विभाग में एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रखे हैं गांव के लोगों ने या उनके परिवार ने, जिनके दरवाजे पर करंट लगी है। और थोड़ा सा ख़राब मौसम होने की वजह से अचानक बिजली के तार गिरा और करंट पूरे दरवाजे पर फैल गया, जिसमें ये बच्चे दरवाजे पर बैठे थे। अचानक 3 या 4 लोगों को करंट, तो भाइयों को करंट लगा। एक आशीष कुमार है जो 19 साल का है, एक आकाश है करीब 15 साल का बच्चा है। बाकी दोनों बच्चों को लाया गया है, इनको घर पे करंट लगा है। करंट लगने में लाने के बाद से एग्जामिन करने में यही पता चला, जो आकाश नाम का 15 साल का बच्चा है, मृत अवस्था में लाया गया है, जिसकी बॉडी को मर्चुरी में रखवा दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए। बाकी एक आशीष कुमार जो था 19 साल का बच्चा, उसको भी करंट लगा, उसको भर्ती कर दिया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा, वो खतरे से बाहर है। तो भाइयों को। और यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 वर्षीय बालक के लिए एक ट्वीट सामने आया है। ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट सोशल मीडिया पर सेल को प्राप्त हुआ है। एसपी कार्यालय में नियुक्त जो आरक्षी थे, उन्होंने रक्तदान किया है। 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचकर ये रक्तदान किया गया है। बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर एक बच्चे को जहां पर रक्त की आवश्यकता थी, वहीं पर आरक्षी ने अपना रक्त देकर उस बच्चे को बचा लिया है। 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचकर ये रक्तदान किया गया है। यूपी के शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 वर्षीय बालक के लिए एक ट्वीट किया गया था, जिसमें रक्तदान की आवश्यकता है, ऐसा ट्वीट में लिखा हुआ था। हालांकि जब इस ट्वीट को सेल प्राप्त करता है, उसके बाद वहां पर नियुक्त आरक्षी पहुंचकर 1 घंटे में बच्चे को अपना रक्त दे देता है और उसकी जान बचा लेता है। कानपुर से खबर है, जहां लेनदेन के विवाद में ठेकेदार को जिंदा फूंकने वाले दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबोच लिया है। पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कर रही। घटनाक्रम के मुताबिक थाना चकेरी के N2 रोड MES कॉलोनी निवासी राजेंद्र पाल शटरिंग का काम करते थे। उनके बेटे अरविंद ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उनके पिता राजेंद्र पाल श्यामनगर निवासी बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव और राघवेंद्र तिवारी की बिल्डिंगों में शटरिंग का काम करते थे, जिसमें उनका करीब 18 लाख रुपए बकाया था, जो कई बार कहने पर भी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने नहीं दिया। बुधवार को जब पिता बिल्डर के घर गए तो उनके साथ मारपीट होने लगी और जिसके बाद उनके पिता को आग लगा दी गई। सूचना पर जब अरविंद मौके पर पहुंचे तो पिता को गंभीर जली हालत में लेकर उर्सला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। अरविंद की तहरीर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करके दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ करके पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। आज हमारे सामने एक प्रकरण आया था, जिसमें राजेंद्र पाल नामक एक व्यक्ति को जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने तहरीर दी, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को नामित किया, शैलेंद्र श्रीवास्तव और रघुवेंद्र तिवारी। इसी तहरीर के आधार पर चकेरी थाना पर 764/22 FIR पंजीकृत की गई है। दोनों लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिन्हें कल सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाएगा। अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली में धान की रोपाई करने अपनी बहन के घर आई 22 वर्षीय गर्भवती महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला के पति और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। मामला डीह थाना इलाके के गोसाई का पूर्वा की है, जहां पर मृतक शीला की बहन ने उसे धान की रोपाई के लिए बुलाया था।
आज सभी लोग जब खेत में धान की रोपाई करने गए तो शीला घर पर ही थी। दोपहर में जब अन्य लोग वापस आए तो शीला का शव घर के भीतर बरामद हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए आज 20 जुलाई को ये सूचना मिली, थाना डी के अंदर ग्राम गोसाई का पुरवा में एक शीला नाम के महिला की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो भी कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल से आई थी और आज दिन में उसके पति और उसके जेठ वहाँ आए थे। वो जब वो घर में अकेली थी, बाद में घर वालों को पता चला कि उसकी बॉडी वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी हुई है। घर वालों से तहरीर प्राप्त करके उसके पति और जेठ के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तैयार कर दी गई हैं जो उनकी तलाश कर रही हैं। बहुत शीघ्र उनको पकड़ लिया जाएगा। अन्य अधिकारियों द्वारा तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का भ्रमण कर लिया गया है और इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। देखिए आज अगली खबर औरैया से सामने आ रही है, जहां करंट लगने से एक ही परिवार के दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दो लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें आपको, चार लोगों को करंट लगा था जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है इलाज के दौरान, बल्कि दो लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज जारी है जिनका। बता दें घर के बगल में लगे बिजली के खंभे से घर में करंट उतरा और इतना बड़ा हादसा हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। घर में करंट आने का 2:25 रात में, दोस्त जगदीश चंद, उनकी वाइफ, उनका लड़का, उनकी लड़की पत्नी जगदीश चंद और रेखा देवी, श्री मैकुला, रेखा देवी के हस्बैंड नाम है श्री अनुराग सिंह। अच्छा, 2:25 यस। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, संभल पुलिस ने ट्वीट किया है, लिखा है कि दो अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी से 12.93 लाख रुपए यानी 12,93,000 नगद के आभूषण बरामद किए हैं। चोरी के आभूषण, अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है संभल पुलिस ने। चोरी के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। 3 सुनार सहित 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है जहां चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के गिरोह के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 12,93,000 के नगद बरामद किए हैं चोरों से पुलिस ने। वहीं पर पुलिस ने चोरों से कई अवैध असलहे, सशस्त्र और नगदी भी जेवर के साथ बरामद की है। संभल पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां चोर गिरोह के दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पर 12,93,000 रुपए के नगदी बरामद की है चोरों से। संभल पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और बताया कि दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अभियुक्तों की तलाश लगातार जारी है। संभल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है जिसके चलते चोर गिरोह के दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 12,93,000 की नगदी संभल पुलिस ने बरामद की है चोरों से। पूर्वांचल के मिर्जापुर जनपद में बारिश की आस लगाए थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतनी बारिश होगी कि उनका घर ही डूब जाएगा। बता दें 2 घंटे की बारिश ने शहरी क्षेत्र की पूरी व्यवस्था बिगाड़ के रख दी। 2 घंटे की लगातार बारिश में शहरी क्षेत्र के वासलीगंज, संकट मोचन, घंटाघर, गिरराज चौराहा, बदली कटरा इलाके में पानी का जनसैलाब ऐसा उमड़ा कि लोगों के घर में पानी घुस गया। पूरे क्षेत्र में पानी को लेकर त्राहिमाम मच गया। दुकानों और घरों में पानी भर गया। व्यापारी दुकानों में पानी इस कदर भर गया कि दुकान में सामान रखा था वो डूब गया और खराब हो गया।
बरेली थाना सिशौली क्षेत्र के गांव हरदासपुर में सोमवार को अपहृत छात्र की कहानी झूठी निकली। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए छात्र को हरिद्वार से बरामद कर लिया है और छात्र और उसके भाइयों को जेल भेज दिया है। सोमवार को हरदासपुर का छात्र लेखराज के अपहरण की सनसनी फैल गई थी। मंगलवार देर रात पुलिस ने छात्र को हरिद्वार से बरामद कर लिया है। पूछताछ पर छात्र के अपहरण की सारी कहानी झूठी निकली। छात्र ने पुलिस को बताया कि वह गुलड़िया के एक कॉलेज में परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। इसी बीच वो मनकरा जगन्नाथपुर के कॉलेज में प्रवेश पत्र लेने गया। फीस जमा न होने से प्रवेश पत्र नहीं मिला। इसके बाद छात्र ने अपने भाई जयप्रकाश और पन्नापुर के अपने ममेरे भाई लेखराज के साथ मिलकर अपहरण की झूठी कहानी रच दी। छात्र हरदासपुर के समीप एक मंदिर के पास पहुंचा और ब्लेड से हाथ चीरा लगाकर खून निकाल लिया। खून से खुद ही कमीज पर धब्बे लगाए और मोटरसाइकिल पर रख दी। इसके बाद ममेरे भाई लेखराज को फोन पर गांव के लोगों द्वारा अपहरण कर ले जाने की बात कहकर छात्र बाइक छोड़कर फरार हो गया। 18 तारीख को जयप्रकाश ने सूचना दी कि इनके भाई लेखराज को उनके विपक्षी द्वारा अपहरण कर लिया गया है और इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि दोनों ही पक्षों में पूर्व से ही कई वर्षों से जमीन का विवाद था और इसी को लेकर के स्वयं इसने इसके भाई ने अपने अपहरण की एक साजिश रची और फ़ोन के द्वारा अपने भाई को बताया, जिस जो कि थाने के माध्यम से थाने को उसने सूचना दी। इसकी जांच क्रम में ये पाया गया कि ये इनके द्वारा खुद ही एक साजिश रची गई खुद को गायब करने की और विपक्षी के ऊपर दबाव बनाने की। तो जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसमें ही सम्यक धाराओं का समावेश करके इनको इन जो सूचना देने वाला भाई है और जो जिसका अपहरण स्वयं इसने कारित किया है उसका एक ममेरा भाई, तीनों को ही माननीय न्यायालय जो है भेजा गया है और कार्रवाई की गई है। क्या विवाद था, किस विवाद को लेकर लोगों का चल रहा था? ये जमीनी विवाद था, दोनों पक्षों के बीच में जमीनी विवाद था और इसको प्रेशर बनाने के लिए दूसरे पक्ष पर ये इस पक्ष द्वारा ये कार्रवाई। और इस बीच औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉलेज के दो गुटों के छात्रों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर बेल्ट और लात घूसों से छात्र को पीटा गया है। तमाशबीन बने रहे लोग, अनजान बनी रही पुलिस। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें बेल्ट और लात घूसों से एक छात्र को पीटा गया। वहीं पर पुलिस मौजूद थी लेकिन अनजान बनी रही। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका अभी छात्र आक्रोश जता रहे हैं। और औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ लोग एक छात्र को बेरहमी से बेल्ट और लात घूसों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया है। सन की पति ने पत्नी और साले की पत्नी की हत्या कर दी। धारदार हथियार से दोनों की निर्मम हत्या की गई है। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की गई है। पति ने पत्नी की हत्या करते समय साले की पत्नी को देख लिया था तो साले की पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया, इसलिए आरोपी ने साले की पत्नी की भी हत्या कर दी। एसपी समेत आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। आरोपी युवक और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, अवैध संबंधों के शक के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं पर जब इस पूरे हत्याकांड को साले की पत्नी ने अपनी आंखों से देखा तो पति ने उसकी भी हत्या कर दी। एक सिरफिरे पति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जहां पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद साले की पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया।
मेरठ पुलिस ने ट्वीट किया है, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मेरठ पुलिस ने ट्वीट किया है, चैन स्नेचिंग करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां पर 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूट की कई चीजें बरामद की गई हैं। 10 लाख रुपए के आभूषण के साथ नकदी भी मेरठ पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, आरोपियों के पास से लूट की कई चीजें मेरठ पुलिस को मिली है जहां पर 10 लाख रुपए के आभूषण के साथ नकदी भी बरामद की है मेरठ पुलिस ने। ये मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां पर मेरठ पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी के बाद आज ईडी की टीम सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। कांग्रेस नेताओं पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप है। सोनिया गांधी आज सुबह 11:30 बजे आवास से निकलेंगी और 11:45 यानी थोड़ी ही देर बाद ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। सेहत को देखते हुए ईडी से सोनिया गांधी को विशेष छूट मिली थी। जरूरी दवाइयों को लेने के लिए समय समय पर सोनिया गांधी को ब्रेक दिया जाएगा। सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने के लिए राहुल और बेटी प्रियंका गांधी जा सकते हैं। तो वहीं प्रयागराज में बोलते हुए सपा नेता आजम खान ने कहा कि मैं आम नागरिक नहीं बल्कि मुर्गी और बकरियों का डकैत हूं। इलाहाबाद तो इंसाफ का जिला है, यहां से तो इंसाफ बटता है। तो प्रयागराज में आजम खान ने बड़ी बात कह दी है जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं मुर्गी और बकरियों का डकैत हूं। शहरी नहीं है और आपका 22 शहर है। हम मुर्गी के डकैत हैं, भैंस के डकैत हैं, बकरी के डकैत हैं, किताब के डकैत हैं, फर्नीचर के डकैत हैं। और हम 10 बार के विधायक, 2 बार के MP, 4 बार मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, मंत्री रहते हुए हमने, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, 2 बार करा हुआ MLA, MTech गलगोटिया से किया हुआ बेटा, हम 3 ने मिनिस्टर रहकर शराब की दुकान लूटी है और 16,900 रुपया गले से डाका मारा है। जिस व्यवस्था का स्टेटस ये हो, जिनका ये मयार हो, क्या जानना चाहते हैं आप? इलाहाबाद तो इंसाफ का जिला है, यहां से तो इंसाफ बढ़ता है। हम डकैत उससे महरूम हैं, अभी आप दिलवा दीजिए। हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं, जिस दिन धूप में। देश के कई राज्यों में सावन के महीने में झमाझम बारिश हो रही, हालांकि कुछ राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ा है। बुधवार को दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। गंगा के मैदानी इलाकों में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं गुजरात, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।